ashes. You have my permission to die. मूवी की शुरुआत होती है लीग ऑफ शैडोज के फॉर्मर मेंबर टेररिस्ट बेन से, जो अपने प्लान के मुताबिक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर लियोनेट को किडनैप करने पर अपने साथियों के साथ अरेस्ट हुआ जेट में आता है, जहां वो मुंह पर मास्क पहने दिखाया जाता है। बेन पकड़े जाने पर भी कॉन्फिडेंट होता हुआ उन्हें प्लान बताता है कि वो जेट गिराना चाहता है विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि जेट में मौजूद सब मरेंगे। और उसके ये कहते ही जेट पर एक प्लेन आता है। बेन सबको मारकर डॉक्टर लियोनेट को किडनैप करके अपने प्लेन में ले जाता है, जबकि दूसरी तरफ अटॉर्नी हार्वी की एड्स डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही होती है। तो हम देखते हैं कि हार्वी की वजह से पुलिस को कंप्लीट पावर्स दे दी गई हैं, और इसकी वजह से गॉथम सिटी क्राइम फ्री हो गया है और बैटमैन भी 8 सालों से गायब है। लोग समझते हैं कि क्राइम्स हार्वी की वजह से खत्म हो गए और वो उसे हीरो मानते हैं, लेकिन बैटमैन को हार्वी के सारे गुनाह अपने सर लेने की वजह से सब लोग उसे विलन समझते हैं। कमिश्नर जेम्स सारा सच जानते हुए एनिवर्सरी पर स्पीच प्रिपेयर करके आया होता है, जहां वो सबको सच बता देगा, लेकिन आखिर पर वो हार्वी को ऑनर देने के लिए वो स्पीच नहीं करता है। एनिवर्सरी की पार्टी में ब्रूस वेन का बटलर एल्फ्रेड भी होता है, जो एक वेट्रेस को ब्रूस के रूम में खाना देने के लिए भेजता है, और जब वेट्रेस रूम में जाकर खाना रखती है तो वो ऑर्डर्स के मुताबिक रूम से बाहर नहीं आती बल्कि रूम देखने लग जाती है, जिसके दौरान ब्रूस आता है और वो उससे आने की वजह पूछता है। वेट्रेस खाने की वजह बताकर जाने लगती है तो ब्रूस उससे नेकलेस उतारने का कहता है, क्योंकि वो उसकी मदर का है और वेट्रेस ने उसके लॉकर से चोरी किया है। लेकिन वेट्रेस वो वापस करने के बजाय ब्रूस को गिराती घर से बाहर निकल जाती है, जहां वो एक ऑफिसर की कार में बैठती दूर चली जाती है। पीछे से ब्रूस अपने लॉकर को चेक कर रहा होता है तो एल्फ्रेड रूम में आकर उससे टेंशन की वजह पूछता है, जिस पर ब्रूस वेट्रेस के चोरी करने के बारे में बताता कहता है कि वो सिर्फ नेकलेस लेने नहीं आई थी बल्कि वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले गई है, और वो उसका नाम ढूंढ कर निकालता है जो सेलिना होता है। ब्रूस का कहा सही होता है, क्योंकि सेलिना एक डैगेट नामी शख्स के लिए फिंगरप्रिंट्स लेकर आती है और उसे फिंगरप्रिंट्स के बदले पैसे देने का बोलती है। लेकिन डैगेट उसका फोन चेक करके बताता है कि वो जानता है कि वो ऑफिसर को मैसेज कर चुकी है, इसलिए वो अपने गैंग मेंबर्स के हाथों उसे मरवाने लगता है कि तभी पुलिस वहां आ जाती है। सेलिना उनके बीच में से होती टनल में जाती है, जो जेम्स देख लेता है, और वो उसके पीछे टनल में जाता है जहां उसे अंडरग्राउंड बेन की गैंग पकड़ लेती है, और बेन उसे मारने लगता है कि वो वहां से निकल जाता है। उसे सीवेज सिस्टम से ऑफिसर जॉन मिलते हैं और उनके सीवेज में होने की वजह पूछते हैं। जेम्स बताता है कि गैंग अंडरग्राउंड कुछ काम कर रही है जिसके बाद वो गॉथम सिटी को तबाह कर देंगे, लेकिन उससे पहले जॉन को पुलिस की टीम ले जाकर उन्हें रोकना होगा। जॉन ब्रूस के घर जाता है, जहां वो उसे बता देता है कि वो जानता है कि ब्रूस बैटमैन है और अभी गॉथम सिटी को उसकी जरूरत है। साथ ही उसके पूछने पर बताता है कि ब्रूस एंटरप्राइज जॉन के चाइल्डहुड में उसके ऑर्फनेज को डोनेशन दिया करते थे, लेकिन अब नहीं करते। वो ये बताकर वहां से चला जाता है तो ब्रूस एल्फ्रेड से वजह पूछता है कि अब वो डोनेशन क्यों नहीं करते, जिसके जवाब में एल्फ्रेड बताता है कि उनकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलता तो कंपनी नहीं चल रही, इसलिए डोनेशंस नहीं हो रही। ब्रूस उसकी बातें सुनकर इफेक्ट होता हॉस्पिटल जाता है, जहां वो अपनी नी दिखाता है क्योंकि वो अपनी नी की दर्द की वजह से नॉर्मल नहीं चल सकता। और ब्रूस चेकअप के बाद मास्क पहनकर जेम्स के रूम में जाता है और उससे वहां पहुंचने की वजह पूछता है, जिस पर जेम्स अंडरग्राउंड गैंग का बता देता है। ब्रूस उसकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो एक पार्टी में जाता है जहां सेलिना एक और चोरी करने आई होती है, जिसका पता चलने पर ब्रूस उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देकर अपनी मदर का नेकलेस वापस ले लेता है। लेकिन उससे पता नहीं चलता कि सेलिना ने उसकी कार वहां से चोरी कर ली है। अगली सुबह ब्रूस लूसियस फॉक्स से मिलने जाता है, जो ब्रूस की कंपनी में एज इन्वेंटर काम कर रहा होता है, और वो ब्रूस के न्यू कार मांगने पर उसे अपनी बेसमेंट में लेके जाता है, जहां वो उसे अपनी न्यू इन्वेंशन द बैट दिखाता है, जो कार की तरह चल सकती है और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकती है। ब्रूस वो कार लेकर अपने घर आकर बैटमैन बनने की तैयारी कर
रहा होता है तो एल्फ्रेड उसे समझाता है कि वो अब यंग और स्ट्रांग नहीं रहा है, जिसके जवाब में ब्रूस कहता है कि उसे गैंग से गॉथम सिटी को बचाना है। और एल्फ्रेड ब्रूस के गैंग के बारे में पूछने पर बताता है कि गैंग का लीडर बेन है, जो पहले लीग ऑफ शैडोज में काम करता था लेकिन उसे निकाल दिया गया था और अब वो उसमें शामिल नहीं, लेकिन फिर भी गॉथम सिटी आया है। साथ ही बताता है कि बेन ऐसे प्रिजन से आया है जो एक वेल है और वहाँ से पहले कोई भी नहीं निकल सका, सिर्फ बेन ही एस्केप कर सका है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि बेन गॉथम स्टॉक एक्सचेंज में अपनी गैंग लेकर जाता है और ब्रूस के मिले फिंगरप्रिंट से उसके शेयर्स अपने नाम करवाने का सोचकर अपने आईटी एक्सपर्ट को काम पर लगा देता है, जिसके दौरान पुलिस उन्हें घेर लेती है। तो आईटी एक्सपर्ट वहाँ से पैड लेकर भागता है जिस पर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं और उसे बैटमैन चेस करता है, जिसे देखकर पुलिस बैटमैन को बुरा समझकर उसे ही चेस करने लग जाते हैं। ब्रूस एक्सपर्ट को पकड़ता है लेकिन देर हो चुकी होती है, इसलिए वो सब छोड़कर पुलिस से भागने लग जाता है और उनसे दूर जाने के लिए अपना द बैट यूज में लाता है। दूसरी तरफ सेलिना कैट वुमन बनकर डैगेट के घर जाती, उससे पैसे चोरी करने लगती है लेकिन उसका लॉकर खाली होता है, तो उसकी डैगेट से लड़ाई हो जाती है, जिसके बीच में उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी डील थी कि सेलिना उसे फिंगरप्रिंट्स लाकर देगी तो वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर देगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उनकी लड़ाई में डैगेट अपने गार्ड्स बुला लेता है तो सेलिना को बचाने बैटमैन आता है और सेलिना को द बैट में बिठाए ले जाता है। बैटमैन उसे बचाने पर उससे डील करता है कि वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर देगा अगर वो उसे बेन की टनल्स में ले जाएगी, और सेलिना उसकी बात मानते हुए उसे टनल्स में लेकर जाती है, जहां ब्रूस को पता चलता है कि ये बेन का ट्रैप था ताकि वो ब्रूस को वहां तक ला सके, और वो ब्रूस के साथ लड़ता है जिसमें ब्रूस पूरी तरह हार जाता है। बेन ब्रूस को वेल की प्रिजन में डाल देता है, जहां और प्रिजनर से ब्रूस को स्टोरी पता चलती है कि ये प्रिजन जिस शख्स ने बनाया था उसकी बेटी से एक शख्स को प्यार हो गया था, जिस पर प्रिजन के ऑनर ने उसे प्रिजन में डाल दिया था, जहां से कुछ अरसे बाद उसे निकाल दिया गया था, लेकिन उसे उसकी वजह नहीं पता थी, मगर बाकियों को पता था कि प्रिजन के ऑनर की बेटी ने उस शख्स की जगह ले ली थी और उसने प्रिजन में एक बेटे को बर्थ दी थी जो प्रिजन में ही बड़ा हुआ था और उसने एक दिन एस्केप कर लिया था। दूसरी तरफ बेन गॉथम में होते रग्बी मैच के दौरान ब्लास्ट करता है, जिससे ग्राउंड गिरने लग जाता है और बेन की गैंग को ढूंढने जाते पुलिस ऑफिसर्स टनल में फंस जाते हैं, और बेन प्लेग्राउंड के बीच में आकर सबको बताता है कि उसके पास उससे भी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है, जिसकी की डॉक्टर लियोनेट के पास है, और लियोनेट को सबके सामने लाता है और जैसे ही वो उसके बात की हामी भरता है तो वैसे ही उसे मार देता है। बेन को सारी दुनिया में दिखाया जा रहा होता है तो वो पब्लिक को बताता है कि वो गॉथम सिटी के क्राइम्स खत्म करने का हल सोच चुका है और वो ये है कि वो अब गॉथम सिटी पर गवर्न करेगा और प्रिजनर्स को आजाद कर देगा ताकि क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल से डील करें। साथ ही बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन पब्लिक में से ही एक शख्स के पास है जो कभी भी बटन दबा सकता है, मजीद ये कि सिटीजंस कहीं बाहर नहीं जा सकते। बेन की स्पीच के बाद आहिस्ता आहिस्ता गॉथम सिटी वीरान हो जाती है और पब्लिक बाहर ही निकलना छोड़ देती है क्योंकि वो बेन की गैंग से डरे होते हैं। उधर 5 मंथ से ब्रूस वेल चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा होता और वो प्रिजनर से पूछता है कि वेल से बाहर निकलने वाला कैसे ये कर सकता था, जिस पर वो बताता है कि प्रिजनर ने वेल बगैर रोप के चढ़ा था क्योंकि वो अब अपनी मौत से डरना छोड़ चुका था और वो अपने स्पिरिट की वजह से ही बाहर निकल सका था। ब्रूस भी अपना एम मजबूत करके अपनी स्पिरिट्स जगाकर रोप के बगैर वेल चढ़ता है और फाइनली बाहर निकल आता है, जिसके बाद वो सीधा लूसियस के पास जाता है जिससे इन्वेंशंस लेकर उसे इनसाइट्स के लिए बेन की गैंग में शामिल होने का कहता है। इसके बाद ब्रूस सेलिना से मिलने जाता है जिससे वो डील करता है कि वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर देगा अगर वो उसकी मोटर बाइक ले जाकर ब्लास्ट करती वो पैसेजेस खोल देगी जहां पुलिस वाले फंसे हैं, और सेलिना उसकी बात मानते वहां से चली जाती है। वो पैसेजेस क्लियर करके पुलिस वालों को निकालती है तो बेन की गैंग से उनकी लड़ाई होने लग जाती है और इसी के बीच में ब्रूस बेन से लड़ने आता है और दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है जिसमें ब्रूस जीते हुए बेन को मारने लगता है कि ब्रूस को पीछे से मिरांडा नामी लड़की स्टैब करती है। मिरांडा के बारे में पता चलता है कि जब वेन की कंपनी के शेयर्स खरीदे गए थे तो लूसियस ने कंपनी मिरांडा को सेल कर दी थी, जिसने वेन की कंपनी में मौजूद न्यूक्लियर वेपन जो कि बिजली बनाने के काम आती थी उसे बेन को दे दिया था, और यही वेपन है जो इतनी डेंजरस है कि मिरांडा के हाथ में मौजूद बटन दबाने पर पूरी
गॉथम सिटी तबाह हो सकती है। ब्रूस उससे ये सब करने की वजह पूछता है तो वो बताती है कि प्रिजन से भागने वाला बच्चा कोई और नहीं वो ही थी जिसकी हेल्प बेन ने की थी और उसके फादर को ब्रूस ने मारा था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। वो उसे मारने लगती है लेकिन पुलिस के आने पर उसे छोड़कर बॉम्ब का रिमोट लिए भाग जाती है और उसके जाने के बाद ब्रूस सेलिना से कॉन्टेक्ट करके उसकी हेल्प लिए मिरांडा का पीछा करता है और उसे पकड़ लेते हैं। तो मिरांडा बताती है कि उसने बॉम्ब को ऑन कर दिया हुआ है और उनके पास 10 मिनट हैं। ब्रूस लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए फैसला करता है कि वो बॉम्ब को सिटी से दूर ले जाएगा, जिस पर सेलिना बताती है कि इसमें वो खुद भी मारा जा सकता है लेकिन उसके लिए सिटी के लोगों की जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए वो उन्हें गुड बाय किए बॉम्ब उठाकर सी की तरफ ले जाता है, जहाँ सिटी के लोग दूर से देखते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद ब्रूस नहीं मिला। ब्रूस को डेड समझकर उसे हीरो मानते हुए उसके लिए स्टैचूज बनाए जाते हैं और उनके सामने जेम्स स्पीच करके 8 साल पहले हुए इंसिडेंट्स बता देता है, जिससे लोगों के दिलों में ब्रूस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि अल्फ्रेड वेकेशन पर गया हुआ एक कैफे में बैठता है तो उसे ब्रूस सेलिना के साथ बैठा एंजॉय करता दिखता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल करते देखते रहते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।